सारा कारोबार सारा घर सब छोड़ के क्यों ये छत्तीसगढ़ में ये अन्य देश में हम आया? पवित्र आत्मा ने मेरा मन में कहा है, देखो मेरा बहुत सारा बच्चा बहुत दुखी है, बहुत उदास की शिकार है, मेरा वजन उनको सुनाओ। जब मेरा वजन सुनते समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर आएगा। पेत्रोस बोल ही रहा था, सुनने वाले के ऊपर जैसा पवित्र आत्मा आ गया वैसा यहाँ यीशु की वाणी, यीशु के वजन कहने से आप लोग सुनेगा तो यही बैठे बैठे चाहे कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी जात वाला हो, ईश्वर की वाणी सुनने से ही पवित्र आत्मा माने आशीष आशीर्वाद अनुग्रह आप सब में गिरेगा। यही आशीष भरपूर है हमारा जीवन में इतना समृद्धि लाने के लिए। तालियां बजाइए यीशु के लिए, हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 27 वाक्य संख्या 38 उत्पत्ति ग्रंथ में 27 वाक्य संख्या 38 देखिए, हम बहुत सारा चीज ईश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही चीज मांगने का। प्रभु ने वह कहा है, पूछो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाऊंगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुला जाएगा। तुम में से कोई दुष्ट मनुष्य अपने बेटा जब रोटी मांगेगा तो उसको थोड़ी पत्थर उठा के देगा? अपना बेटा कुछ मछली मांगेगा तो हम थोड़ी उसको बिच्छू देगा? तुम दुष्ट होकर भी अपने बच्चों को अच्छा अच्छा चीज देने के लिए तुम जब मन करते हो तो अपने स्वर्गीय पिता से हम पूछने से कितना ज्यादा हमें पवित्र आत्मा हमें आशीष अनुग्रह नहीं देगा। इसलिए भाई बहनों, हम जीसस से ज्यादा चीज मांगने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा चीज से मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसा मांगते रहेगा तो बहुत सारा चीज मांगना है। प्रभु जी खाना दो, कपड़ा दो, मकान दो, पढ़ाई के लिए पैसा दो, हमारे बच्चों की शादी करके दो, बच्चों लोग को सुखी रखो, हमारे खेती बाड़ी सफल रखो, बहुत सारा लाखों चीज हमें मांगना पड़ेगा। लेकिन प्रभु येसु ने कहा सिर्फ एक ही चीज, तुम सिर्फ एक ही चीज मांगो, उस चीज का नाम है आशीष माने पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा है मैं जा रहा हूं लेकिन हमेशा तुम्हारा साथ रहने के लिए मैंने एक सहायक को भेजेगा, उस सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। मैं जा रहा हूं, यीशु ने कह के गया, मैं जा रहा हूं लेकिन हमेशा तुम्हारा साथ रहने के लिए, तुम्हें हमेशा सहाय करने के लिए मैं एक सहायक को तुम्हारा साथ भेजूंगा, उस सहायक का नाम है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आएगा तुम शक्तिशाली बनेगा। देखो भाई बहनों, लाखों चीज मांगने की जरूरत नहीं है, लाखों चीज मांगने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज मांगो। क्या मांगना है? पवित्र आत्मा माने प्रभु की आशीष अनुग्रह। उत्पत्ति का ग्रंथ में अध्याय 27:38 वचन पढ़िए जरा। पर एसाव ने अपने पिता से कहा, एसाव ने अपने पिता से कहा, पिताजी पिताजी क्या आपके पास एक ही आशीर्वाद है? पिताजी क्या आपके पास एक ही आशीर्वाद है? एसाव ने अपने पिता से कहा, पिताजी आपके पास एक ही आशीर्वाद है, और आशीर्वाद नहीं रह गया कि हमारे आपके पास मुझे देने के लिए आपके पास और आशीर्वाद नहीं है? आगे बढ़िए। पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, यह कहकर एसाव फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दे, मुझे भी आशीष चाहिए, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए पिताजी, यह कहकर एसाव ने फूट फूट कर रोने लगा। देखियो एसाव ने किस लिए रोया? आशीष। पिताजी और आशीर्वाद नहीं है तेरे पास, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद का बिना मैं यहां भटक रहा हूं, आशीर्वाद के बिना मैं पाप में घुस गया, आशीर्वाद के बिना मैं रोगी बन गया, आशीर्वाद के बिना मैं शैतान मुझे सता रहा है। अगर आपका आशीर्वाद मेरा साथ रहे तो मुझे शैतान कभी नहीं सताते। आशीर्वाद के बिना मैं अकेला पड़ गया हूं,
हमेशा हमारा घर में नुकसान, कुछ कमियां, हमेशा बीमार होते रहते हैं, हमेशा दुर्घटना आते रहते हैं। पिताजी आशीर्वाद का बिना मैं थक गया हूं, मैं रोगी बन गया हूं, हमेशा दुखी हूं, हमेशा उदासी का शिकार बन गया हूं मैं। एक भाई ने बताया ना, हमेशा उदास महसूस आ रहा था, लेकिन यह बैठ के भजन सुनने से, आशीर्वाद पाने से आनंद महसूस होने लगा। सबसे अच्छा गवाही हुई है उनका, सुने हो ना आप लोग। पिताजी तेरे पास एक ही आशीर्वाद है, मुझे भी आशीर्वाद दे। ये कहकर ऐसा उन्हें फूट फूट के रोने लगा। हम भी आज के दिन आराधना में या अभी से लेके यहाँ बैठ के प्रार्थना करते समय, मेरे भाई बहनों, बच्चों, माता पिता, हम सिर्फ एक ही चीज के लिए रोना है। किस चीज के लिए? आशीर्वाद चाहिए मुझे, तेरे पवित्र आत्मा चाहिए, तेरे आशीष चाहिए मुझे। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम शक्तिशाली बनेगा। यरूशलेम में, यूदया में, समरिया में, पृथ्वी में, कोना कोना में तुम जाएगा, मेरे मेरा सुसमाचार, मेरी वाणी तुम घोषणा करेगा। एक बार और बड़ा पढ़िए जरा, आप सुनिए कान खोल कर उसी को। पर एसाव ने अपने पिता से कहा, पिताजी क्या आपके पास एक ही आशीर्वाद है? पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। यह कहकर एसाव फूट फूट कर रोने लगा। एसाव फूट फूट कर रोने लगा। नौकरी मिलने के लिए नहीं रोया, शादी होने के लिए नहीं रोया, बच्चा पैदा होने के लिए नहीं रोया, खेती बाड़ी अच्छा सफल देने के लिए नहीं रोया। एसाव ने यहाँ विदेश जाके कुछ काम करना है, अन्य देश में जाके बहुत पैसा कमाना है, बहुत अच्छा पक्का मकान मिलना है, हमारे बच्चों का पढ़ाई, हमारे बच्चों का शादी, इसके लिए नहीं रोया। एसाव ने सिर्फ रोया है किस लिए? आशीष के लिए। अब भी बोलने का, प्रभु जी मुझे आशीष चाहिए, सोना चांदी नहीं, पैसा नहीं, पैसा के लिए मत पूछिए प्रभु से। तुम पहले उनके राज और उनकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब यूं ही मिल जाएगा। सोना चांदी में तो ना मांगो, मन तेरे प्रेम से बरता रहो मैं, मन तेरे प्रेम से बरता रहो मैं, प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु में तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु में तुझे, तू ही मेरा मन की अभिलाषा, मन तू ही मेरे मन की अभिलाषा, मन तेरे प्रेम से भरता रहा। ना 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 ना, वो पहला लाइन का, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, तेरी पूजा जिस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा जिस दिन करता रहूं मैं, प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, वैसे प्रभु मैं तुझे। बस हो गया, हालेलुया। आशीष के लिए रोना है आज। आज परम प्रसाद के रूप में, रोटी के रूप में हमारा प्रभु परमेश्वर आज यहाँ तुम्हारे सामने आते समय, हम दूसरा किसी चीज के लिए मत मांगिए। सोना के लिए, चांदी के लिए, खेती के लिए ना मांगो, सिर्फ मांगना है आशीष। हम सब आशीष नष्ट किया है, प्रभु ने हमें जन्म दिया सरल हृदय से, सरल हृदय से प्रभु ने हमें जन्म दिया है, लेकिन हमारा कुकर्म, हमारा ही दुष्टता, हमारा ही कोटकम सारा आशीष को छोड़ दिया, बर्बाद किया, सत्यनाश किया।
जैसा बंदर का हाथ में हार मिला है वैसा हम सारा आशीष को तोड़ फोड़ के निकाल दिया। हमसे जो आशीष नष्ट हो गया है उसी आशीष आज ये रिट्रीट का लास्ट दिन में प्रभु हमको देना चाहता हूं। चाहिए किसी को? कोई बोलते भी नहीं। यही आशीष हमें चाहिए। देखो आज से मिलने के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों के घर में जो बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप है, नाना नानी है, तो आप लोग ऐसा कीजिए, दादा दादी है तो वो चल नहीं सकते, वो अभी कैद नहीं कर सकते, वो टॉयलेट में भी नहीं जा सकते, वो खाना अपने आप उठा के खा नहीं सकते। ऐसा कोई मरीज वाला, बीमार वाला तुम्हारा घर में हो, माता पिता, नाना नानी, दादी दादा सब है, तो आप लोग उनको अच्छा से खाना खिलाओ। अपना माँ बाप बूढ़ा हो गया, हमें इतना बड़ा किया, खेत में जाके धूप में मेहनत करके मिट्टी में काम करके हम सबको इतना मेहनत किया हमारे माता पिता, अभी वो लोग बुढ़ापा में चला गया, तो आप लोग कान खोल के सुनिए, आशीष मिलने के लिए हम भी उनको अच्छा से खाना खिलाने का, दवा कराने का, उनका देखभाल करने का, इससे हमें बहुत सारा आशीष मिलेगा। समझते कि नहीं? एक वचन और पढ़िए आप, उल्पति ग्रंथ में अध्याय 27, इसहाक ने कहा है, पहला से लेके पढ़िए जरा, उल्पति ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य संख्या 1 से लेके पढ़िए। कान खोलिए जरा, कान खोलो, बोलो तो एक बहन ऐसा ऐसा कर रही है, कान खोलिए सुनिए। 27 उल्पत्ति 27:27 वाक्य संख्या 1 से लेके पढ़िए, उल्पत्ति 27। इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई कि वह देख नहीं पाता था। इसहाक बूढ़ा हो गया, इसहाक बूढ़ा हो गया, उसकी आंख की रोशनी चला गया, और उसने बोला, सुनिए, इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई कि वह देख नहीं पाता था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाया और कहा, बेटा। एसाव ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? इसहाक ने कहा, तुम देखती ही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पिताजी अपना ज्येष्ठ पुत्र माने अपने बड़ा लड़का को, दो लड़का है एसाव और याकूब, एसाव को बुला के कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया, मैं देख नहीं सकता, आंख की रोशनी कम हो गया, मेरा आंख की रोशनी निकल गया, बूढ़ा हो गया मैं। तुम ऐसा करो, मैं कभी मरने वाला मालूम नहीं है, हमारा माता पिता जो हमें जन्म दिया अभी जिंदा है, तो कभी मरेगा मालूम नहीं है बच्चों, हमारा जीवन कब तक है बोल नहीं सकते, हम कितना दिन है ये दुनिया में बोल नहीं सकते, जितना दिन है शराब पी के, गांजा पी के, महुआ पी के चलो घूमो, एक दिन है ना, एक दिन प्रभु मुझे पकड़ेगा, सन्नी बस हो गया तेरा, केल बहुत हो गया, मैंने दया करके थक गया हूं। यिर्मयाह के ग्रंथ में प्रभु ने कहा, अध्याय 15 वाक्य संख्या 6, मैंने तुम्हारे ऊपर दया करके थक गया हूं। एक दिन प्रभु भी थक जाएगा हमारे ऊपर दया करके। कितना बार हमने कन्फेशन किया, कितना बार पाप स्वीकार किया, पाप करना पाप स्वीकार करना, पाप करना पाप स्वीकार करना, बस यही काम है मेरा, थक जाएगा प्रभु दया करके। बेटा को बुला के कहा, क्या कहा सुनिए जरा, ना जाने कब तक जीवित रहूंगा, तुम अपने हथियार, अपना तरकस और अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार ले आओ, तब मेरी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। देखियो, थैंक यू बेटा, जाइए, नहीं ना ऐसा मत कीजिए, हल्लेलुया। देखो क्या लिखे हो, सुने हो, पिताजी इसहाक अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा, बेटा बेटा मैं बूढ़ा हो गया, मैं कब तक जिएगा बोल नहीं सकता हूँ, मेरी आंख की रोशनी कम हो गया, तुम ऐसा करो अपने तरकश और धनुष, धनुष समझ गया ना,
अपने तरकश और धनुष लेके तुम चले जाओ शिकार करने। तुम शिकार करके जो जानवर मिलेगा उसको काट के उसका मांस निकाल के मुझे जरा अच्छा से पका के मेरी इच्छा के अनुसार जरा अच्छा खड़ी बना के दे दो मुझे। पापा का लास्ट इच्छा है तो शिकार कर रहे बेटा जाके। थोड़ा अच्छा जानवर मिलेगा ना तुमको, जो भी मिलेगा उसको लेके आके मेरा इच्छा के अनुसार मैं जो जैसा कड़ी पसंद है वैसा तुम उसको बना के मेरा सामने तुम बांटो। उसको खाकर बोलिए आप, उसको खाकर मरने से पहला मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। देखियो, मरने से पहला मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। भाई बहनों बच्चों कान खोल के सुनिए, अपना माता पिता को कभी उपेक्षा नहीं करना, माता पिता को त्यागना नहीं, माता पिता को छोड़ना नहीं, क्योंकि अम्मा भी इतना बड़ा हो गया, इसका पीछे उनका मेहनत है। सही है कि नहीं? मेहनत है। यहां बहुत से माँ लोग बैठा है अपने बच्चों के लिए इतना कष्ट उठाया, मुझे मालूम है। यहां बहुत से माता पिता बैठा है अपने बच्चों के कारण रो रहा है। आशीर्वाद नष्ट नहीं करना माता पिता का, माता पिता का आशीर्वाद नष्ट नहीं करना। माँ बाप का आशीर्वाद प्रभु का आशीर्वाद है। माता पिता द्वारा जब हमें आशीर्वाद मिलेगा वो प्रभु की आशीर्वाद है। आज यहां आराधना में आप लोग कान खोल के सुनिए, भाई बहनों सुनिए, जो पति पत्नी साथ में आया है साथ में खड़ा रहने का, यहाँ आगे आके बहन लोग थोड़ा पीछे हटने का, अभी नहीं, जब आराधना होगी, जब आप दोपहर को जब खाने के लिए छोड़ते ना उसका बाद आप आएंगे तो बहन लोग थोड़ा पीछे हटने का। जो पति आया पीछे बैठे ले, शर्मा के उधर बैठना नहीं, वहां से उड़ के अपने बीवी को लेके सामने आने का अपने बच्चों के साथ। माता पिता बच्चों सब साथ में खड़े होकर आज आराधना होगी। क्यों मालूम है? ये दुनिया में हमारे जो संत पापा जो आशीर्वाद देते ना हमको, रोम में जो संत पापा है मालूम है, संत पापा से भी बड़ा आशीर्वाद तुम्हारा माता पिता का आशीर्वाद होता है। हालेलुया। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? माता पिता का आशीर्वाद बच्चों का घर को सुदृढ़ बनाता है। आज आराधना में हम ऐसे करने का, अपने बेटा बेटी को सामने लाने का, पहले बेटा बड़े हो या छोटा हो कोई भी हो, अपने बच्चों को सामने खड़ा करने का। और यीशु जब रोटी के रूप में परम प्रसाद के रूप में हमारे सामने आते समय आप लोग क्या करने का, आप लोग मैं यहां बोलते समय बच्चा लोग अपने माँ बाप के पैर पड़ना है, उनके पैर में अपने माथे अपना सिर झुका के रखना है थोड़ा समय, और रोना है, माफी मांगना है, पापा मैंने उल्टा सीधा बोला, तेरा अनुसरण नहीं किया मैंने, मैं तुझे गाली दिया, मैं तुझे मारा, आप जिंदा है, अभी मुझे आशीर्वाद दो। फूट फूट के रोया जैसे ऐसा ने, वैसा हम भी रोना है बच्चों, प्रभु के सामने आज रोना है, प्रभु जी मेरा माता पिता द्वारा मुझे नष्ट हो गया, आशीर्वाद मुझे दे दे, रोते हुए मांगने का, पैर बढ़ने बच्चों। उसके बाद मैं जब कहेगा माता पिता अपने बच्चों को उठाने का, बच्चों को अपने गले लगाने का और उसका सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद देना है आप लोग। अभी सब नहीं देना, कोई माता पिता अपने बच्चों को अभिशाप नहीं देना। अरे शराब पी क्या के कभी बोलना नहीं, तेरा नाश होगा रे, तेरा कटिया घड़ी होगा रे, कभी नहीं बोलना। मन दुखते हुए कोई माता पिता अपने बच्चों को अभिशाप देगा तो उस अभिशाप प्रभु स्वीकार लेता है। इसलिए जिंदा जिंदा सारा अभिशाप पीछे खींचने का, समझ गया ना? उल्टा सीधा नहीं बोलना, अपने बच्चों को बहुत प्यार करने का। माता पिता पिताजी हमेशा शराब पी के आएगा तो बच्चा देखते बड़ा होगा ना, उसी बेटा कल शराब पी के तुमको मारेगा तो क्या करेगा?
बच्चों का बाइबल है माता पिता। माँ अपने पिताजी को, अपने हस्बैंड को, अपना पति को छोड़ के कभी जाना नहीं दूसरे के साथ, कोई भी हो। तुम्हारा शरीर ईश्वर के मंदिर हो। जो हॉस्टल में रहते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो शादी हुआ, या इधर जितना भी लोग हैं, हमारा शरीर है ईश्वर के मंदिर हो। ईश्वर के मंदिर को नाश करने वाले को ईश्वर भी नाश करेगा। इसलिए मेरा बच्चा लोग सुनिए, बेटा बेटी लोग सुनिए, तुम्हारा शरीर में कोई गंदगी से छूना नहीं चाहिए। अगर कोई छू लिया तो समझ लिए तू बोलने का नहीं, मत मत, कोई भी हो, कोई भी हो, सगा पापा क्यों ना हो, मामा हो या कोई भी हो, पुरोहित हो या कोई सिस्टर हो या कोई प्रजारक हो, किसी को भी तुम्हारा शरीर गंदगी से, आई मीन सेक्सुअली टच करने नहीं देना, कोई भी हो। आपका मालूम है सिमसोन नाम का एक व्यक्ति था, पुरोहित का समान सिमसोन नाम का एक व्यक्ति। उस व्यक्ति को एक स्त्री ने प्रलोभन में डाल दिया था और सिमसोन नाम का व्यक्ति को नाश कर दिया था। उस स्त्री का नाम कोई बोल सकते हो? सिमसोन नाम का एक व्यक्ति पुरोहित जैसा एक पवित्र व्यक्ति को एक स्त्री ने प्रलोभन देके वो पवित्र व्यक्ति का नाश किया था सिमसोन का। उस स्त्री का नाम दलीला, मलयालम में दलीला बोलते हैं, दलीला। पुरोहित का समान एक व्यक्ति था सिमसोन। दलीला नाम का स्त्री ने आके उसको प्रलोभन देने लगा। फादर जैसा, प्रीस्ट जैसा एक व्यक्ति को लास्ट में उस स्त्री का गोद में सिर रख के सोने लगा सिमसोन नाम का पुरोहित जैसा व्यक्ति। प्रभु गुस्सा किया, तूने क्या किया, तूने ये क्या किया? और फिलिस्तियों ने क्या किया मालूम है? सिमसोन का शक्ति उनसे छुड़ के चला गया था। सिमसोन को मालूम नहीं था प्रभु ने उसे छोड़ के चला गया था। एक धर्म बहन, एक पुरोहित, एक प्रचारक पवित्रता से जीना चाहिए था, लेकिन दूसरा किसी का प्रलोभन में गिर जाने से प्रभु छोड़ के चले जाएगा, हम मालूम नहीं पड़ेगा हमको। न्यायाधीश का ग्रंथ में प्रभु ने कहा है ये वचन, सिमसोन को मालूम नहीं था प्रभु ने उसे छोड़ के चला गया था। पाप करने वाले का हृदय से प्रभु छोड़ के चले जाते हैं, पाप करने से प्रभु छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए कोई पुरोहित को तुम प्रलोभन नहीं देना, इतना बड़ा अभिशाप है वो। कोई धर्म बहन को तुम प्रलोभन नहीं देना। सिमसोन का बारे में आपको मालूम है, सुना आप लोग ने पढ़ा, कितना भी धागा से बांध बांध के रखो सिमसोन ऐसा करेगा सारा धागा टूट जाएगा, इतना पावर है सिमसोन को। कितना भी लोग आवे सिमसोन को कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जिस दिन दलीला का साथ गंदा काम किया था, दलीला से गंदा संबंध रखा था, सिमसोन में जो भरा हुआ प्रभु की आशीष, जो प्रभु का आशीर्वाद सिमसोन को छोड़ के चला गया था, लेकिन सिमसोन को मालूम नहीं पड़ा मुझसे प्रभु छोड़ के चला गया क्या, हम भी मालूम नहीं पड़ेगा, हमको भी मालूम नहीं पड़ेगा। वचन ऐसा कहता है सिमसोन को मालूम नहीं था कि प्रभु ने उसे छोड़ के चला गया था, हमको भी मालूम नहीं पड़ेगा। 10-15 साल एक पुरोहित सेमिनारी में, शादी नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए, परिवार नहीं चाहिए, सब छोड़ के प्रभु के लिए एक दास बनकर, पवित्र बनकर, एक पुरोहित, एक धर्म बहन, एक सिस्टर यीशु के लिए अपना जिंदगी खो रहा है, जिंदगी समर्पण कर रहा है। उस पुरोहित को पाप में गिराने के लिए एक मिनट नहीं चाहिए एक स्त्री को, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं? कभी नहीं होना चाहिए, अभिशाप आता है घर में, अभिशाप आता है, नहीं कभी नहीं। उनका पवित्रता क्यों तुम नष्ट कर रहा है? सिमसोन को जिस दिन प्रभु छोड़ के कला चला गया, पाप में गिरा था, सुनिए खान बोल के फिलिस्तियों ने उसका आंख चून लिया था, दोनों आंखें,
जब तक प्रभु उनके साथ था कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। जिस दिन पाप में फंस गया उस दिन से लेके उनका शक्ति चला गया, आके चुन लिया और उन्हें आटा पीसने का काम पे लगा दिया। फिलिस्तीनियों ने देखा कैसा अधमपतन हो गया था, कैसा गिरावट हुआ एक पुरोहित का, एक स्त्री का वजह से। अपने पति को छोड़ के कभी दूसरा एक व्यक्ति को मन में भी लाना नहीं, मैं और आप लोग अपने पत्नी को छोड़ के दूसरा किसी स्त्री को मन में भी लाना नहीं। आजकल मोबाइल में गंदा गंदा चैटिंग हम लोगों में, मैं और आप लोगों में कोई करते हैं गंदा गंदा वीडियो कॉल सेक्स चैटिंग, नो। ईश्वर रोते रहता हमेशा, हमारा अनुग्रह कोना नहीं, हमारा आशीष को बर्बाद नहीं करना। जैसे बंदर का हाथ में हार मिला, जैसा हमारे हाथ में जो प्रभु का आशीर्वाद मिला है आज मिलेगा फिर से। जो खोया हुआ आशीर्वाद, जो नष्ट हुआ आशीर्वाद आज फिर से प्रभु हमें देगा, क्योंकि प्रभु दयालु है, प्रभु हमसे दया करते हैं। बच्चों मेरे से, मैं पापी हूं, फिर से कोना नहीं भाई बहनों। उनके आज्ञाओं का पालन करेगा तो समझ लीजिए इतना वरदान प्रभु आपको देगा। आप सुनना चाहते हो क्या क्या वरदान हमें मिलेगा? नहीं सुनना है?